सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का चेयरमैन बना हूँ, इन्होंने मुझे बनाया है। और मेरी प्राथमिकता एक्चुअली में हमारा जो साइकिलिंग में बीकानेर जिला काफ़ी वर्षों से बच्चे बच्चियाँ मेहनत कर रहे हैं, उनको अच्छा स्थान, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए हम विशेष तौर से प्रयास करेंगे। और हमारा मन है, और हम कल से मेरे एजीएम होने के बाद में एक विचार आया है, क्यों न हम मोदी जी की मन की बात हम सुनते हैं, और मोदी जी के मन की बात में हम मोदी जी से ये निवेदन करेंगे और ये अनुरोध भी जोर से करेंगे कि क्यों न एक दिन के लिए पूरे इंडिया में जिस दिन साइकिलिंग दिवस होता है उस दिन सभी लोग इंक्लूडिंग मोदी जी साइकिल पर चले। तो देश में हम सोचते हैं कि उस दिन कितना तो पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी, साथ में एक फिटनेस के प्रति भी लोगों की जागरूकता पैदा होगी। और लोग अगर अपने मन में ये जागरूकता पालेंगे तो मैं सोचता हूं कि छोटे मोटे जो काम हैं हम चाहते हैं कि वो साइकिलिंग के माध्यम से करें बजाय स्कूटर और मोटरसाइकिल के, जिसमें एक्सीडेंटल केसेस की संख्या आपको और हमको सबको पता है बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और ये साइकिलिंग ऐसा एक है साधन जिससे इन चीज़ों की दुर्घटनाएं भी घटेगी। और हम राजस्थान में साइकिलिंग एसोसिएशन को और उन बच्चों को और दुनिया में अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं बता देता हूँ कि जयपुर वाला जो वेलोड्रम है वो लगभग उस एंगल से ठीक बना हुआ था, लेकिन जो बीकानेर का जो वेलोड्रम जो बना है वो हमने ओम जी ने मेरे को पूरा बताया कि इन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो टेक्निकल हेड है, जो टेक्निकल इंजीनियर है, उसके माध्यम से बनाए, जिन्होंने वेलोड्रम बनाए हैं पहले, जिनका अनुभव है। लेकिन वहाँ के वीसी ने हठधर्मिता के कारण पता नहीं क्यों कितना भ्रष्टाचार किया, कैसे किया, अभी एक जाँच का विषय हम लोग उसको भी उठाएंगे। और हम चाहते हैं कि बच्चों के पैसों जो भारत सरकार दे, चाहे राज्य सरकार दे, चाहे कोई भी किसी भी फंड के माध्यम से उनको मिले, उसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आनी चाहिए। बच्चे खेल की भावना से खेले और आगे बढ़े, यही हमारा प्रयास रहेगा। मतलब एक सवाल ये भी है, बीकानेर की साइकिलिंग में तो ठीक होती है, लेकिन और जो जिले हैं शायद वहां तक की खेल पहुंच नहीं पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जयपुर में अगर देखी जाए तो साइकिलिंग का क्रेज है, लेकिन और जो जिले हैं उनमें किस तरह से साइकिलिंग का क्रेज बढ़े, इसके लिए किस तरह के प्रयास करेंगे? मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली में अभी स्कूल गेम में ये खेल आ गया है। और एक्चुअली में क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में शुरुआती दौर में कोई ना कोई गेम प्रभावी रहा है। किसी जिले में हैंडबॉल रहा है, जैसे धौलपुर था में हैंडबॉल बहुत प्रभावी था, किसी जिले में फुटबॉल रहा है, जैसे गंगानगर जाओगे तो हॉकी पॉपुलर रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज गेम एक्चुअली में क्या लोगों ने तय कर लिए थे। हम चाहते हैं कि जब स्कूलिंग माध्यम से इसको हमने जुड़वाया है और आगे भी फेडरेशन के माध्यम से हम इसको जुड़वा देंगे नेशनल और इस स्तर पर, तो लोगों का जागरूकता बढ़ेगी। और जागरूकता किसी जीव में बढ़ती है तो जैसे आज क्रिकेट का बोलबाला है, ऐसे भी साइकिलिंग का एक दिन बोलबाला होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। प्रोफेशनल लीग का भी कोई शुरुआत करेंगे, प्रयास करेंगे इसके लिए।